नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस शो में जिसका नाम है सफर संगीत का द वीकेंडर शो। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया हमसे यूं जुड़े रहने के लिए। संगीत की, गीत के, प्रेम की ये डोर यूं ही जुड़ती रहे, इसके लिए आपको एक कदम और बढ़ाना होगा, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। दोस्तों, हर हफ्ते हम पेश कर रहे हैं आपके लिए एक नया गीतकार, कुछ गीतकार जो बेहद नामचीन थे और कुछ गीतकार ऐसे जो कहीं गुमनामी के अंधेरों में रहे। हालांकि उनके लिखे गीत हमारी सीने जगत में झिलमिलाते जरूर रहे, लेकिन उनका नाम, उनकी रोशनी कहीं उनके ही लिखे गानों में ओझल हो गई। दोस्तों, मेरे गीतकार अलग अलग लाने के साथ साथ भगवान दास जी आपके सामने पेश कर रहे हैं हर बार एक नए गायक को। मैंने आपके साथ बांट रही हूँ ढेर सारे बातें, साझा कर रही हूँ ढेर सारे किस्से। इसी बीच मुझे लगा कि 50 से लेकर के 60 के दशक में जो गीतकार हैं, वो गीतकार की लेखनी उर्दू भाषा से ओतप्रोत रही, लेकिन उसके बाद से लेकर के 70 के दशक तक के गीतकारों की भाषा जो रही वो रही हिंदुस्तानी। और शायद यही कारण था कि उनके लिखे गीत ज्यादा मशहूर हुए, क्योंकि उनकी इस हिंदुस्तानी भाषा ने संस्कृत का वसंत पहन रखा था तो उर्दू का श्रृंगार कर रखा था। संभावना यही है क्योंकि उनका शब्द भंडार इतना अधिक हो गया उर्दू, संस्कृत और हिंदी की शब्दावली के साथ कि उन्होंने हर भावना, हर जज्बात को हमारे सामने रूबरू लाके रखा किया। और ऐसे ही गीतकार आज हमारी इस सीरीज में, इस पेशकश में आपके लिए, गीतकार इंदीवर साहब। सो आज का हमारा सफर है श्यामा लाल बाबू से आजाद का, आजाद से इंदीवर साहब तक का। जी दोस्तों, आज मैं आपसे साझा करूंगी किस तरह गांव की सौंधी मिट्टी जब पसीने के संघर्ष से भीगती है और जमाने के थपेड़ों से रौंदी जाती है, तो उससे निकलने वाली, उससे बनने वाली कलाकृति कितनी उम्दा होती है। यही मिट्टी लगी थी हमारे इंदीवर साहब उर्फ श्यामालाल बाबू को। श्यामालाल बाबू का बचपन तकलीफ में बीता। उनकी माँ का आंचल उनके सर से जल्द ही बचपन में उठ गया था और पिता का साया भी ज्यादा दिनों तक साथ न रहा। श्यामालाल बाबू अपनी बहन, बड़ी बहन के साथ उनके ससुराल विदा हो गए, लेकिन वो वहां ज्यादा दिन रह नहीं पाए और लौट आए बरुआ सागर। जी, यही नाम था इंदीवर उर्फ श्यामालाल बाबू के गांव का, जो झांसी जिले में एक छोटा सा गांव है। इस छोटे से गांव से निकला था ये अनमोल हीरा। इंदीवर साहब के जन्म तिथि को लेकर के दो मत हैं। एक मत के अनुसार उनका जन्म 1 जनवरी 1924 को हुआ था, तो दूसरे मत के अनुसार उनका जन्म 15 अगस्त 1924 को हुआ था। जनाब, तारीख 1 जनवरी हो या 15 अगस्त, दोनों ही दिन एक नए दौर का आगाज हुआ था और यही आगाज किया था इंदीवर साहब ने भी। खैर, बरुआ सागर की हम बात करें तो कहा जाता है बरुआ सागर में रहते हुए ही आजाद का जन्म हुआ था। जी, वहां पर कहा जाता है एक गांव में पेड़ के नीचे एक संत फकीर अक्सर कुछ संगीत गाया करते थे और वही बने श्यामालाल बाबू के पहले संगीत गुरु और वहीं से जन्म हुआ आजाद का। शायद उन्होंने ये उपनाम उस वक्त की जो परिस्थितियां थी, आजादी का जो दौर था, उससे प्रेरित होकर रखा था। उसी उपनाम को लेकर के उन्होंने कई जगह कविता पाठ किया और उनकी कविताएं सराही भी जाने लगी। उन्हें जल्द ही विवाह के बंधन में बांध दिया गया। उम्र रही होगी लगभग 20 वर्ष, लेकिन जनाब, जिसका उपनाम ही आजाद हो वो बंधन में कैसे रह सकता था। सन 1946 की बात है, श्यामालाल बाबू उर्फ आजाद अपनी तलाश में, अपने अस्तित्व की तलाश में चले आए मुंबई नगर। इस माया नगरी में आते हुए उन्हें ये बात एक तय थी, उनके दिमाग में ये बिल्कुल क्लियर था कि उन्हें एक गीतकार ही बनना है, और उन्होंने अपना संघर्ष इस गीतकार के तौर पे जारी रखा और
सन 1951 में उन्हें पहली बार पहचान मिली। बड़े अरमान से रखा है बलम तेरी कसम, वो बलम तेरी कसम। इस मशहूर गीत के बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपने 4 दशक के फिल्मी सफर में उन्होंने कम से कम 1000 गाने लिखे और 300 फिल्मों के लिए लिखे। उसके अलावा उनकी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन उनके गीतों में हमेशा कीर्तिमान रचे। बड़े अरमान से रखा है बलम तेरी कसम, ये तो मशहूर गीत है ही से, लेकिन इसके अलावा फहरिस्त इतनी लंबी है कि अगले शनिवार तक मैं और आप यूं ही बातें करते रहेंगे। रोशन तुम ही से दुनिया, रौनक तुम ही जहां की, हर खुशी हो वहां तू जहां भी रहे, हमने तुझको प्यार दिया है इतना कौन करेगा इतना, जैसे मशहूर नगमों के साथ उन्होंने अपना फिल्मी सफर जारी रखा। सन 1976 में उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा। इस मशहूर गीत ने उन्हें फिल्म फेयर की ब्लैक लेडी से मिलवा दिया। खैर, ऐसा कहा जाता है कि इंदीवर साहब की कलम जो है वो समय की करवट के अनुसार स्याही बदल लेती थी। जी, एक और उन्होंने मशहूर गीत लिखे, उम्दा साहित्य से जुड़े हुए गीत लिखे, तो दूसरी और उन्होंने ऐसे भी गीत लिखे जिन्हें नॉटी कैटेगरी में कहा जाता है। उन्होंने कुछ साउथ की फिल्मों के लिए भी गीत लिखे। है प्रीत जहां की रीत सदा, जैसा मशहूर गीत देने वालों इंदीवर साहब ने समय की करवट के अनुसार तोहफा 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 जैसा गीत भी लिखा। एक और मजेदार वाक्य आपसे साझा करती हूँ। इंदीवर साहब का पसंदीदा शब्द क्या था? हाँ जनाब, क्या शब्द ही उनका पसंदीदा था। अब आप उनके गीतों में देखिए, कसमे वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या, क्या खूब लगती हो बड़ी सुंदर दिखती हो। और एक तू ना मिला सारी दुनिया मिली भी तो क्या। अब आपके लिए ये पहेली इंदीवर साहब के गीतों में क्या ढूंढने की। खैर, इंदीवर साहब के जीवन की बात करते करते अब हम उस पड़ाव तक आ गए जहां से उन्होंने अपनी अंतिम यात्रा शुरू की थी। ऐसा कहा जाता है कि जहां से उनके जीवन की शुरुआत हुई थी, जिस गांव से वो शुरू हुई थी उनकी कहानी, उसी गांव को जाते हुए उनका देहांत हुआ 27 फरवरी 1987। इंदीवर साहब बरुआ सागर जा रहे थे और रास्ते में ही उनका देहांत हो गया। फिल्मी जगत से एक और सितारा दूर चला गया, लेकिन इतने अनमोल हीरे इतने अनमोल गीत देकर गया कि वो अमर हो गया। आज उन्हीं का ऐसा एक अमर गीत हम पेश करने जा रहे हैं आपकी नजर भगवान दास की आवाज में, फिल्म उपकार कसमे वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। इस बेहद खूबसूरत गीत को संगीत दिया था कल्याण जी आनंद जी ने। इस गीत के बाद मैं आपसे साझा करूंगी कि किस तरह कल्याण जी आनंद जी के साथ में काम करते हुए इंदीवर साहब ने एक कविता को फिल्म में स्थान दिलाया था। अभी पेश है आपकी नजर ये गीत। कसम वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या, कसम वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या, कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं नातों का क्या, कसम वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी न तू बच
कुछ पाएगा तेरा अपना। तेरा अपना खून ही आखिर तुझको आग लगाएगा आसमान में। आसमान पे उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा। कसने वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। सुख में तेरे साथ चलेंगे, दुख में सब मुख मोड़ेंगे। दुनिया वाले कर तेरा ही दिल तोड़ेंगे। देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। कसम वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। कोई किसी का नहीं झूठे नाते हैं नातों का क्या। कसम वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। मुझे पूरा यकीन है कि ये गीत आपकी रूह को छू गया होगा। जनाब, इस गीत का संगीत और शब्द कुछ ऐसे ही हैं जो हमारी रूह को छू जाते हैं। खैर, इस गीत के बाद मैं आपसे साझा करती हूँ वो बात कि किस तरह एक कविता गीत बन गई। जी, फिल्म सरस्वती चंदन का वो गीत चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना, मुझे दोष न देना जग वालों हो जाऊं अगर मैं दीवाना। जी, ये वही गीत जिसने लाखों लोगों को दीवाना बनाया और कई दीवानों की जुबान पे चढ़कर बोला। वास्तव में ये एक कविता है और इसे फिल्म में दर्जा दिलाने के लिए कल्याण जी आनंद जी ने इंदिवर साहब का सपोर्ट किया था और इस तरह इस कविता को गीत के रूप में एंट्री मिल गई थी फिल्म में। इसके अलावा एक और बात, इंदिवर साहब ने हमारी सब लगभग फिल्म सिने जगत के सभी संगीतकारों के साथ काम किया सिवाय एसडी बर्मन साहब के। इंदिवर साहब के बारे में कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन मुझे अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात भी तो करनी है एक नए गीतकार के साथ में। तब तक आपसे गुजारिश है कि हमसे यूं ही जुड़े रहिए और इस जुड़े रहने के लिए आपको क्या करना है बस हमें सब्सक्राइब करना है। चलिए, मुझे इजाजत दीजिए, अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी इसी समय। तब तक के लिए नमस्कार, स्टे सेफ।